जो पाकिस्तान में मेरा भी और बहुत सौ का बड़ा फेवरेट है, उस नौजवान मेरे दोस्त की ये शुरू से नेचर रही है कि ऑब्जर्व करता रहता है, करेक्टर्स को देखता रहता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें क्रिएट करता है। उसकी बातें ज़रा तवज्जो से सुनेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेज और रेडियो का बहुत अच्छा वन मैन शो का फनकार, आपको बहुत सारे कहकह लगाने पर मजबूर कर देगा, तमाम कदूरतें धो देगा और आपको रिफ्रेश कर देगा। ढेर सारी तालियां बुलाइए आयाब खान। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत खुशी है आज पहली बार मैं यहाँ मियामी में आप तमाम पाकिस्तानी भाइयों के दरमियान आपको बहुत कुछ सुनाने के लिए आया। वैसे तो लोगों को जो कुछ शादी के बाद सुनने को मिलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं सुना रहा मैं आपको, लेकिन जो कुछ भी मैं आपको सुनाऊंगा उसके लिए थोड़ा सा जहन आपको लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन सारा समझना पड़ेगा। एक अनाउंसमेंट हुई, मोजिस खवातीन हजरात, ये ख़वातीन का आलमी साल है। इस आलमी साल के मौके पे हुकूमत ने ख़वातीन के लिए 1 अरब रखा है। तो पीछे से आवाज़ आई, हाय लव अरब कैसा है। हमारे यहाँ ये भी होता है कि जैसे कि कभी कभी प्रोग्राम होते हैं, एक प्रोग्राम हुआ उसमें एक रकासा आई, तो देखें एक बीन बजती है, उस बीन में जब घुंघरू बजते हैं तो उन घुंघरू की आवाज़ क्या है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अनाउंसमेंट होती है, मौजूद ख़वातीन हज़रात अब तशरीफ़ लाती हैं हमारे मुल्क की मायनाज़ फनकारा फ़रा दीबा। अब फ़रा दीबा आ रही हैं, जैसे कोई बकरी खुल गई। अब देखिए जब बीन बजती है तो उसमें देखें घुंघरू की आवाज़ क्या है। निज़ामगर प्रोग्राम एक दफ़ा हुआ, उसमें जैसे कि आपको पता है कि जावेद मियांदाद ने बड़े छक्के लगाए हैं, जिसमें एक छक्का जो उन्होंने शारजा में लगाया था वो बड़ा मशहूर हुआ। तो उनकी जावेद मियांदाद की आवाज़ उनको बुलाया गया निज़ामगर में, उनसे गुफ्तगु हुई। बहुत खबर है, इस प्रोग्राम पे तशरीफ़ लाते हैं पाकिस्तान के सुपर क्रिकेटर जावेद मियांदाद। हाँ जावेद मियांदाद, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। कि क्रिकेट ठीक ठाक चल रही है, हम लोग जीत रहे हैं। आप पिछले दिनों आपने जो छक्का लगाया था इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बड़ा मसला हो गया जब से हमने छक्का लगाया, लोग हमें छक्का छक्का कहते हार के हमारी मूछें। अच्छा आप ये बताइए आपके कितने बाल बच्चे हैं? बस एक बाल एक बच्चा। दरअसल हमें क्रिकेट से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि ज़्यादातर जोक्स जो हैं वो किन के बारे में बनते हैं। हालांकि बड़ी खुशी की बात है, इतने तमाम सिंधी सिंधी माण्हू भी आने, पंजाब जा भी आने, जो माण्हू जितना भी आने सब बनाए देते, तमाम सूबों से मुतालिक लोग हैं और सारी ज़ुबानें समझते हैं सिवाय फ्रेंच के, जैसे कि अदर भाई ने कहा था। तो वो हुआ ये कि एक सिख था, उसने किसी खास साहब से कहा, ओए महाराज तुम्हारे गाँव पर बड़ा एहसान है। ओए क्या बकवास करता है, तुम्हारा एहसान लेगा मैं कापर, इससे पहले मैं मर नहीं जाएगा। ओए मारा तुम्हारी काम पे बड़ा एहसान है। ओए क्या एहसान है, अगर हम नहीं होते तो सारे लतीफे तुम पे पड़ते। मैं एक साहब पहुंचे, तो जाके कहने लगे भाई जान है अलमारी की नहीं दी देती है। उसने कहा हम सिखों को स्वाद नहीं देते। अच्छा मत दो, चले गए ये शेव करके अपने आप को काफ़ी चेंज किया, सूट वूट पहन, ये मार कितने की दिया है। उसने कहा जी हम सिखों को सौदा नहीं देते। फिर पहचान लिया। ओए मत दो। फिर चले गए,
फिर आए वापस, फिर कुर्ता पजामा हमारी कितने दिए। कल अजीब सिखों को सौदा नहीं देते। अच्छा फिर पहचान लिया मत तो, और ये तो बता पहचानते किस तरह हो कि मैं सिख हूँ। भैया तू 3 दिन से फ्रिज को अलमारी कह रही है। और का ये वाकया है कि लाहौर में एक बहुत ही बुढ़े आदमी कहीं बैठे थे, तो उन्हीं की उम्र का एक आदमी वहां से गुजरा। तो वो जो आदमी जब वहां से गुजरा तो उससे गुफ्तगू करा, की गल लेके थे चले आ? मैं नौकरी लपड़ जा रहे हैं। है नौकरी लपड़ जा रहे हैं? ओए नौकरी बुढ़ा आदमी तेनू की नौकरी मिलेगी? हाँ जी मैं नौकरी लपड़ जा रहे हैं। कहले की कादे वास्ते नौकरी? कहले जी 2 वक्त की मैनू रोटी मिल जाएगी। अच्छा 2 वक्त की रोटी वास्ते तू नौकरी लपड़ जा रहा, तू इंज कर मैं तेन 2 वक्त की रोटी देंगा। अच्छा तू मैंने 2 वक्त की रोटी देगा, काम की होएगा? दादा दरबार जाई अपनी खाम मेरी लिया। जल्दी से तरक्की करता है, ख़ासतौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से सैटेलाइट के ज़रिए फ़ैशन पहुँच जाता है। और जो फैशन हमारे हैं उनमें आपने देखा है कि आजकल डांस, पहले डिस्को डांस रखा लोग, क्या इनसे कोई दही मंगाए तो वापसी तक लस्सी होती। उसके बाद हमारे यहाँ डिस्को से स्लो मोशन हो गया, वो है ब्रेक डांस। ब्रेक डांस के स्टाइल आपने देखे जिनमें एक ये भी है। पिछले दिनों एक ब्रेक डांस कंपटीशन हुआ, उसमें हर इलाके के ब्रेक डांसर्स थे, डिफेंस के ब्रेक डांसर्स, तारिक रोड के ब्रेक डांसर्स, लालू खेत के ब्रेक डांसर्स, पता चला उसमें कोरंगी के फकीर जीत गए। हुआ ये कि एक साहब किसी ऑफिस में काफ़ी दिन से जब नहीं पहुंचे, तो जब 5वें 6वें दिन जब आया तो उनसे दोस्त ने पूछा आप कहाँ थे? हमारा बाप मर गया यार। जी हमारा बाप का इंतकाल हो गया। अच्छा मर गया, तीजा हो गया? हाँ यार आज तो 5वां है। अच्छा यार तो फिर खर्चा तो बहुत हो गया। हाँ यार सिर्फ घी पे 6000 रुपये खर्च हुआ है। अच्छा क्यों, क्या तल के दफनाया था? कहना के यार वो कैनेडी की डेथ हो गई, कायदे आजम का इंतकाल हो गया, लियाकत अली खान फौत हो गए, भुट्टो साहब का इंतकाल हो गया, कल से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, हर एक की अपनी अपनी शादियां होती हैं। आपको पता है कि जब पहले ज़माने में शादी होती थी तो दूल्हा को घोड़े पे बिठाया जाता था। तो एक ने पूछा यार दूल्हा को घोड़े पे क्यों बिठाया जाता है? कहले फिर पता कैसे चलेगा कि कहले जी दूल्हा को घोड़े पे बिठाया जाता है, गधे पे क्यों नहीं बिठाया जाता? कहले फिर पता कैसे चलेगा किसकी शादी? तो एक एक बारात का मंजर मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक बारात गुजरती है, उसमें एक आवाज़ होती है शहनाई की और एक बड़ा मोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग शामिल बाजा कहते हैं, या भोंपू कहते हैं। वो जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो बजाने वाला है वो बहुत ही दुबला होता है, वो वहीं से थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। तो मैं आपको एक बारात का मंजर पेश कर रहा हूँ, शहनाई और ट्रम्पेट की जो आवाज़ है दोनों का एडिशन। जो है वो एडवर्टाइजमेंट से बिकती हैं। इस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एडवर्टाइजमेंट की पोजीशन है उसमें कुछ अरसे के बाद शोहरों के लिए एडवर्टाइजमेंट आएंगे। अपने घर के तमाम कामकाज के लिए अपने शोहर से रुजू करें, जुमा बाजार में रियायती सेल, 2 शोहरों पे 1 मुफ्त लीजिए। मैं भी अपने घर के तमाम कामकाज अपने शोहर से करवाती हूँ और चैन की नींद सोती हूँ। कौन आप? जी मैं लानत है आप। यानी कि एडवर्टाइजमेंट की पोजीशन हमारे यहाँ इस तरह से हो जाएगी। लेकिन आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान में अक्सर कसाई की दुकान पर अगर हम लोग जाएं, तो हमने अक्सर वहाँ ये देखा है कि वहाँ गोश्त बेचने वाला जो है वो आदमियों को भी इन्वॉल्व कर लेता है। यानी कसाई कुछ इस तरह से मुखातिब होता है, हाँ भाई साहब आपकी पाया भी बना रहा हूँ, पहले इंसाफ की बोटी कर रहा हूँ।
थोड़ी देर बाद आइएगा, आपका भेजा निकाल दूंगा। भाई साहब, इस बच्चे के पसंदे अभी बना रहा हूँ। यानी उनकी बातचीत जो है वो पूरी इसी तरह होती है जैसे उन्हीं आदमियों को वो इन्वॉल्व करते हैं। अब जहन में ये रखिए कि कसाई जो है वो दर्जी बन जाए। अब अगर दर्जी वो बन जाएगा तो देखें वो दर्जी बनने के बाद जो है कितना चेंज आ जाएगा, लेकिन वो सोच उसकी जो है वो वहीं की वहीं है। हाँ भाई साहब, उतारियो वाली खाल। हाँ भैया, वही वाली शेरवानी। भाई साहब, आपको बिल्कुल फिट आएगी, सिर भी निकाल ले। आप जी, आप कल आइएगा, आपका सिर्फ गला कटा है। मुन्ने, इसे हाथ में लगाइए, लेकर दूसरे में छिड़ेगा। हाँ भाई साहब, सूट सिलवाएंगे आप? चल भाई, शकूरे नाम लियो। श्री गित्ती। श्री मेरा मतलब है गर्दन। लिख पे 16.5। सीना कितना हड्डियों समेत? 32। भाई साहब, पुठ पे ढीला रखोगे कोट? कहने हाँ भाई साहब। चल पे पुठ 34 कर दे। अबे पाए नाप लिए इनके? जी हाँ, नाप लिए। जेबे कितनी? 4, तो फ्रंट पॉकेट, तो बैक पॉकेट। लिख पे 2 जेबे गुर्दे पे, 2 कलेजी पे। यहाँ पर भी लोगों को चांस मिलता होगा। बहरहाल कुछ लोग घर पे नमाज़ पढ़ते होंगे और जुमे की नमाज़ तो पढ़ने ज़रूर जाते होंगे। अक्सर हमारे यहाँ वाक़यात होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। एक साहब ने वहाँ, पाकिस्तान का वाक़या, बड़ा लेटेस्ट, बिल्कुल 15 दिन पहले, एक साहब ने जैसे ही सलाम फेरा तो बराबर वाले साहब ने कहा, तैनू किन्नी बारी क्या है जुत्ती आगे मत रख, जुत्ती आगे रखने से नमाज नहीं होती। और तैनू किन्नी बारी क्या है और जुत्ती आगे रखने से नमाज नहीं होती? तो वो कहने लगा, ओए जुत्ती पीछे रखने से जुत्ती नहीं होती।